Hey guys, welcome and welcome back to my video. So here in this video I'll show you my whole routine from day to night. तो अभी मैं सुबह को भी जस्ट उठी हूँ. मैं अभी बज रहा है आई थिंक 8:30 एंड अभी मैं उठी हूँ. सो आई डू ब्रश अभी एंड देन आई सी. सो अभी मैं पानी को गर्म कर रही हूँ बिकॉज सुबह सुबह मैं वार्म वाटर पीती हूँ विद लेमन इन इट, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है इसीलिए. सो लेट्स सी. Now I am adding some sugar. Salt too. And some lemon. Now let's drink it. मेस ऑफ माई बेड, क्योंकि अब मैं बेड में ही पढ़ती हूँ बिकॉज अब बहुत ठंडा आ गया है. तो टेबल पे पढ़ने का मन नहीं करता बिकॉज अब बेड पे ब्लैंकेट आराम से लेके एंड आई स्टडी, क्योंकि वहाँ पे कुछ पढ़ पाती हूँ. टेबल पे तो ठंडे के कारण कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी, इसीलिए मैं अब बेड पे ही पढ़ती हूँ इन द स्टडी टेबल. तो या लेट्स गो एंड स्टडी. तो अभी मैं आई थिंक बायोलॉजी लर्न करूँगी बिकॉज सुबह का टाइम है, अच्छे से लर्न हो जाएगा एंड फिर मैं बायोलॉजी का लेक्चर देख लूँगी. आई थिंक मैंने लेक्चर 1 एंड 2 देखा है, लेक्चर 3 देखना है. आई एम स्टडिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर करेंटली. तो उसमें लेक्चर 1 का हो गया मुझे याद, लेक्चर 2 का याद करना है बस. लेक्चर 2 देखा हुआ है मेरा, लेक्चर 3 अभी देखूँगी और लेक्चर 2 व्हाट आई एम स्टडिंग करेंटली. तो ये चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. तो यहाँ तक तो मुझे बहुत कुछ लर्न है. लेक्चर 1 का लर्न है सारा हाइपोथैलेमस एंड यू कैन सी हियर. सो हाइपोथैलेमस का पूरा हार्मोन एंड ऑल द हाइपोथैलेमस आई हैव स्टडीड ओनली. और अभी जो पढ़ रही हूँ मैं डैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन से आज मैं याद करूँगी बिकॉज वो लेक्चर 2 में था एंड वो मुझे लर्न नहीं है. सो आई विल स्टडी फ्रॉम ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. यू कैन सी हियर. और पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है. ओके, हार्मोन्स याद करना है, उसका फंक्शंस एंड आई विल बी डन. और फिर मैं लेक्चर 3 देखूंगी. सो या लेट्स स्टार्ट. सो नाउ आई एम डन विथ लर्निंग. पूरा लर्न मैंने कर लिया जो कि करना था एंड नाउ वॉट आई डू इज सी लेक्चर 3 ऑफ बायोलॉजी. अभी करीब आई थिंक 9:45 हो रहा है एंड अभी मैं
करूँगी बाय ऑल. गाइस आई गॉट माय न्यू लैपटॉप सम डेज बिफोर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. मैंने आई थिंक अनबॉक्सिंग का वीडियो शूट किया था. इफ पॉसिबल आई विल ऐड द क्लिप ऑफ द वीडियो. लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजी. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द लैपटॉप. सो नाउ लेट्स गो टू द क्रोम. फिजिक्स वाला इज सर्च्ड. बैचेस सेक्शन माय बैचेस दैट इज अर्जुन नीट. लेक्चर नंबर 3 हियर इट इज. यस सो लेट्स गो एंड स्टडी. सो आई गॉट चिकपीस व्हिच आई डोंट लाइक बट इट इज गुड फॉर हेल्थ सो आई एम ईटिंग इट विथ seeing my favorite lecture of biology my with my favorite ma'am. So yeah, let's go and study. Most importantly, the speed should be 2x because time nahi waste karna hai. Yeah, now I'm done. जस्ट शावर लिया एंड नाउ मैं अब अपनी डेली रूटीन की क्रीम लगाऊंगी. सो गाइज आई एम रेडी नाउ. मैं अभी ड्राइंग करूंगी. सो आई विल स्टार्ट ड्राइंग. सो मैं ड्राइंग करने वाली हूँ एफएमएबी का मेन कैरेक्टर दैट इज़ एडवर्ड एलरिक एंड हिज ब्रदर. तो मैं उसका ड्राइंग करने वाली हूँ. आई थिंक मैं गूगल से कोई इमेज देखूंगी या यूट्यूब से कोई इमेज ढूंढूंगी और ड्राइंग करूंगी बिकॉज माई मोस्ट फेवरेट हॉबी इज़ ड्राइंग एंड डांसिंग और मैं उसे कभी छोड़ती नहीं हूँ. एंड आई ऑलवेज यूज़ टू डू दीज काइंड ऑफ स्टफ्स बिकॉज स्टडी करते करते बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाती हूँ कभी कभी. तो ये सब करना चाहिए. अपने हॉबीज़ को भी इन्हेंस करना चाहिए टू यू नो टू मेक अ ब्रेक इन लाइफ. तो मैं कभी कभी करती हूँ ऐसा. तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लूँ. और सो मैं ड्राइंग करने वाली हूँ एडवर्ड एलरिक का. सो फॉर दोज हु डोंट वॉच एनिमे ट्राई वॉचिंग इट फ्रॉम डेथ नोट. सी वॉट अ मेस इन माई डेस्क. मैंने बहुत दिनों से डेस्क में पढ़ा नहीं है इसलिए कितना मैसअप हो गया है सारा कुछ. सो अभी सबसे पहले मैं इसे क्लीन अप करूँगी देन मैं अपने डेस्क पर ही ड्राइंग करूँगी. सो लेट्स क्लीन इट. So
have to type is Edward L. Eric and his and Alphonse Elvin. Sketch likhte hain ya drawing? Sketch drawing. अच्छा लग रहा है, एक तो सिंपल भी है और इसमें दोनों है भी। My first drawing of 2022 is this and I'm kind of liking it. I hope you like it too. Do let me know in the comments below. So guys, मैंने drawing कर लिया तो अब मैं physics पढ़ने वाली हूँ. तो I am all set up with my study table. तो अब मैं physics पढ़ने वाली हूँ. तो physics में मैं friction पढ़ूँगी और वर्क पावर एनर्जी पढ़ूंगी, क्योंकि पहले वाला टॉपिक ना ब्रशअप हो जाता है. मेरे साथ तो ये बहुत होता है. आई ऑलवेज यूज टू स्टडी एंड देन फॉरगेट थिंग्स व्हाट आई हैव स्टडीड अर्लियर. ऐसा होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि दो दिन भी पढ़ते हैं एंड फॉरगॉट. तो इसीलिए उसमें से एक टॉपिक है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का तो कुछ कुछ पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये सब तो पढ़ा हुआ है. एंड कुछ कुछ और टॉपिक है फ्रिक्शन का, मतलब क्वेश्चंस करना है एंड ऑल तो वो सब पढ़ेंगे. एंड देन द थिंग इज वर्क पावर एनर्जी, तो पूरा चैप्टर ही गोल है तो वो पढ़ने वाली हूँ मैं. तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स. और आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कितना चैप्टर कंप्लीट किया. मुझे और टेंशन देते रहते हो यार. एक तो मेरा चैप्टर भी ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ और आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ. तो मैं बता देती हूँ कि मेरा फिजिक्स में चैप्टर आई थिंक 6-7 चैप्टर कंप्लीट हुआ या 7-8, मतलब कभी काउंट नहीं किया है मैंने. बट ज़्यादा भी कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बैकलॉग हो जाता है और पीछे का प्रेशर हो जाता है. एज आई सेड, उसके वजह से चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं पाता. एंड डू लेट मी नो कि आपका कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में, एंड इन द कमेंट्स बिलो. और ज़रूर करना कमेंट्स, क्योंकि मुझे भी जानना है आप लोग कितना चैप्टर कंप्लीट किए.
कि एनीम देखते देखते आई विल ईट लंच। तो एनीम में एक बहुत अच्छा वेबसाइट मुझे मिला है एनीमे देखने के लिए, डेट इज़ नोन एज Zoro.2, और इसमें कुछ भी कोई भी एनीम मिल जाता है और पूरा पूरा एपिसोड मिल जाता है, इट्स सो गुड। तो मैं तो अभी FM में भी ही देख रही हूँ, तो वो लिखते हैं लेट्स गो। खाते खाते मैं एनीमे देखती हूँ, बिकॉज ऐसे तो एनीमे देखने में टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए खाते खाते प्रोडक्टिव बनाना है। तो मैं ये वाला एपिसोड आई थिंक देख लिया था, 36 एपिसोड देखना है मुझे। For typing, I use a website that is known as Rush Typing, and it's so good website क्योंकि यहाँ पे typing करते हो ना, तो यहाँ पे ना street race भी होता है और boat race भी होता है, तो race करके and use it to type, मतलब जितना तेज type करोगे उतना तेज हमारा car चलेगा या boat चलेगा। सो मैं बहुत दिनों से इसमें टाइपिंग कर रही हूँ, और मैंने ये कार कल ही बाय किया था आई थिंक। ये कार मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा कलरफुल है इसीलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा, सो मैंने ये कार लिया है। एंड आई विल स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने इन माई टेबल। बेड पीछे है, बेड में नहीं पढ़ रही मैं अभी, केमिस्ट्री में टेबल में पढ़ ले रही हूँ, बिकॉज मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है और चार्जर सिर्फ और सिर्फ लेट मी शो यू यहाँ है, और वीडियो भी बनाना है, तो बेड पे मैं नहीं जा सकती, मुझे स्टडी टेबल पे ही रहना पड़ेगा फॉर यू ऑल। तो अभी चले चलते हैं, रिडॉक्स पढ़ते हैं हम लोग मतलब मैं पढ़ती हूँ रिडॉक्स। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ूंगी, ना कि रिडॉक्स। रिडॉक्स आई थिंक कल स्टार्ट करूंगी मैं, या फिर परसों, या फिर कभी नहीं, कल पक्का स्टार्ट करूंगी मैं रिडॉक्स रिएक्शन। और अभी पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें है क्या पहले वो देखते हैं।
next video. If you liked it, do like, share and subscribe to my channel. And do let me know in the comments below what you want for the next video. Bye. See you in the next video.